प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर प्यार कि आप देख पा रहे होंगे कि उनकी तस्वीर अपने हाथों से बनाकर एक लड़की आज जमशेदपुर लेकर आई है। बता दें कि आज जमशेदपुर के एक मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ एक लड़की मौन जानेंगे, उनके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्केच, आखिर ये तस्वीर ये कब से बना रही थी। पहले ये बताइए कहाँ से आई है, नाम क्या है? मेरा नाम नीतू कुमारी है और मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ और ये तस्वीर को मैंने कल ही 6 घंटे में बनाया है और बहुत मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मतलब कुछ भूख प्यास कुछ सब कुछ छोड़ के मतलब सिर्फ पेंटिंग कंप्लीट करने पे ध्यान था बस। 6 घंटे में आपने ये पेंटिंग बनाया है, क्या इससे पहले भी आपको इस तरीके का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाए है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या सोच कर आई थी, क्या ऐसा लगा कि उनकी नजर आप तक पहुंचेगी, क्या ये सोच कर आई थी? ये सोच कर आए थे पर इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सभी को कहा कि आप सभी का जो प्यार है वो मुझे मिल रहा है, ये सुनकर कैसा लगा? ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरा सपना था उनको सामने से मैं देखूं, सामने से तो उतना नहीं देख पाए पर हाँ लाइव उनको देख के बहुत अच्छा लगा। सामने से कैसे लगे, जैसा आपने सोचा था क्या वैसे ही है? हाँ, लाइव वैसे ही है जैसे वो टीवी पे दिखते हैं, उससे ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं। इनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है जो आपको यहाँ तक खींच कर लेकर आई और ये तस्वीर बनाने पर मजबूर कर दी? उनका 24 घंटे कार्य प्रगति पे लगे रहना, जनता के लिए सोचना, बिना छुट्टी लिए जो वो मेहनत करते हैं वो हमारे युवा को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उनके ही दिशा निर्देश पे हम चलना चाहते हैं हमेशा। ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं जनता को फायदा हो रहा है, क्या ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फायदा हो रहा है, इसीलिए आप सब देख सकते हैं ऐसे भी कितना ज्यादा एक्साइटमेंट था आज। और पहले तो जब उनका रोड शो जब कैंसल हुआ तो हम लोग पूरा निराश हो गए थे, लेकिन फिर वापस घर जाके वापस से आए सिर्फ आम जनसभा में सम्मिलित होने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने ध्यान से सुना? बिल्कुल ध्यान से सुना, पर अच्छी बात कौन सी लगी? उनकी सबसे अच्छी बात जो वो मतलब भीड़ को जो वो एकाग्रित करके मतलब अपना बोलते हैं वक्ता, एक तो वो वक्ता बहुत अच्छे हैं, जो वो बोलते हैं जो भी मतलब मंत्रमुग्ध बोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आज आपको सुनकर संतुष्टि मिली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज का आना सफल हुआ, भले वो देखे नहीं देखे पर मुझे मैं उनको देख के बहुत खुश हूँ। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि ये 6 घंटे में इन्होंने ये तस्वीर बनाई है और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर जो सुकून मिलता है वो कहने लायक नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि सुनकर इतना अच्छा लगता है, साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कार्य करते हैं ये इनको काफी अच्छा लगता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप, जमशेदपुर।